साल भर में हमने सोने की कीमतों को नए हाईज बनाते हुए देखा और एक साल में करीब 25% की तेजी आ चुकी है और अगले एक साल के दौरान भाव और 25% बढ़ सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि सिटी ग्रुप की रिपोर्ट कह रही है। तो सोने को लेकर सिटी ग्रुप की इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, प्राइसेस को लेकर ये क्या कह रहे हैं और भाव कहां तक जा सकता है, चलिए समझते हैं। घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिलहाल 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। एक साल पहले यही भाव 60,000 रुपए के नीचे हुआ करता था, यानी एक साल में कीमतों में लगभग 25% का उछाल आ चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि सोने की कीमतों में इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर ब्रेक लगेगा या भाव और बढ़ सकता है, और इसका जवाब आपको मिलेगा सोने को लेकर सिटी ग्रुप की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 12 महीने के दौरान सोने की कीमतों में और 25% तक की तेजी आ सकती है। रिपोर्ट में सिटी ग्रुप के विशेषज्ञों ने कहा है कि 2025 के मिड या आखिर तक विदेशी बाजार में सोने का भाव 2800 से $3,000 का स्तर छू सकता है, यानी मौजूदा स्तर से और 25% ऊपर। फिलहाल विदेशी बाजार में भाव $2,440 प्रति औंस के करीब है। सिटी की इस रिपोर्ट में सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी का ही अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1 से 1.5 साल में चांदी का भाव विदेशी बाजार में $38 से $40 तक पहुंचने का अनुमान है, जो फिलहाल $31 प्रति औंस के करीब है, यानी चांदी में मौजूदा स्तर से 30% तक की तेजी आ सकती है। सिटी बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के श्रम बाजार में नरमी है, महंगाई में कमी के व्यापक रुझान के साथ ही जुलाई में होने वाली FOMC की बैठक में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती की संभावना से सोने की कीमतों में मजबूती आ सकती है। सिटी बैंक का आगे कहना है कि ब्याज दरों में कटौती होने की स्थिति में इस साल के आखिर तक सोने और चांदी में तेजी का रुझान बना रह सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि जून के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ETFs ने अपने रिजर्व के लिए नेट 17.5 टन सोने की खरीद की है। ये लगातार दूसरा महीना है जब गोल्ड ETF सोने के नेट खरीदार रहे हैं और जून अंत में दुनिया भर की गोल्ड ETFs की कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 3,105 टन हो गई है, जो 3 महीने का ऊपरी स्तर है। इससे पहले मई में भी इन ETFs ने अपने रिजर्व के लिए नेट करीब 8 टन सोने की खरीद की थी और रिपोर्ट्स यही इशारा कर रही हैं कि ये सोने की तेजी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कारण साबित हो सकता है।